जवान को अब एक महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि जवान ने इस एक महीने के ड्यूरेशन में कितनी कमाई कर ली है? या फिर क्या आपको खबर है कि शहनाज गिल फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है? या क्या आपको पता है कि एनिमल का पहला गाना हुआ में आउट हो गया है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की पांच बड़ी बॉलीवुड की खबरें हमारे शो बॉलीवुड बुलेटिन के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। आज का शो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप सर्विस शुरू हो गई है। आप भी इस सर्विस को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उस पर आपको इससे जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी कि इस सर्विस के जरिए आपको क्या कुछ खास मिलेगा। अब इस खास जानकारी के बाद चलिए वापस लौटते हैं अपनी खबर पर। तो आज की पांच बड़ी बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। हाथ में गन लिए दमदार लुक में नजर आए टाइगर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। अब इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें सलमान खान का गजब लुक देखने को मिला। दबंग खान ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है। इसके साथ ही फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। ऐसे में ट्रेलर रिलीज से 5 दिन पहले सलमान का नया पोस्टर फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस पोस्टर में टाइगर हाथ में गन लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके पीछे पुलिस की कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। पोस्टर शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, टाइगर आ रहा है, 16 अक्टूबर को तैयार हो जाओ। एनिमल का पहला गाना हुआ में आउट। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के थिएटर में रिलीज होने का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनकी जोड़ी पहली बार नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएगी। ऐसे में फिल्म से पहला रोमांटिक ट्रैक हुआ में रिलीज हो चुका है जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आए। शहनाज गिल हुई अस्पताल से डिस्चार्ज। थैंक यू फॉर कमिंग में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल को लेकर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। अब हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस अस्पताल से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। बता दें कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर की हुई घोषणा। आमिर खान बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक्टर अपनी फिल्मों की बारीकियों पर बड़ी गंभीरता से काम करते हैं, इसलिए उन्हें ये टाइटल मिला। इन दिनों आमिर खान प्रोड्यूसर की कुर्सी संभाले हुए हैं। हाल ही में उन्होंने लाहौर 1947 की घोषणा की थी। अब एक्टर ने एक और फिल्म की घोषणा कर दी है। आमिर खान की नई फिल्म तारे जमीन पर की तर्ज पर होगी। यहाँ तक कि नई फिल्म का नाम भी मिलता जुलता ही रखा गया है। आमिर खान ने बताया कि उनकी नई फिल्म का टाइटल तारे जमीन पर होगा। एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जारी है जवान का सफर। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर एक महीने का सफर पूरा कर लिया है। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर आंधी की रफ्तार से आई इस फिल्म की रफ्तार अब थोड़ी सी थम गई है, लेकिन फिर भी सफर जारी है। जवान इसके बाद अब धीरे धीरे 650 करोड़ की ओर बढ़ रही है। फिल्म के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 10 अक्टूबर को बिजनेस काफी कम रहा था। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने मंगलवार को लगभग 1 करोड़ कमाए। इसके साथ ही जवान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 627.37 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है। खैर, ये थी आज की पांच बड़ी बॉलीवुड की खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।